नमस्ते दोस्तों मैं आरही आरही पे आप सभी का दिल से स्वागत है तो यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ गोलगप्पे की रेसिपी पूरी की रेसिपी हम छोले और पानी बना तो लेते हैं घर में लेकिन हमारे गोलगप्पे जो हैं फूलते नहीं हैं इस डर से हम गोलगप्पे नहीं बनाते खाने का बहुत मन भी करता है लेकिन हम बनाते नहीं हैं तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे बताऊँगी आपके गोलगप्पे एकदम बिल्कुल मार्केट जैसे फूले फूले से बनेंगे तो वीडियो छोटी सी है स्किप नहीं करिएगा भगा के नहीं देखिएगा अगर भगा के देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं अगर अच्छे से सुन लिया अच्छे से देख लिया तो आपके गोलगप्पे बहुत अच्छे से बनेंगे तो सिंपल मैंने दो कप सूजी लिया है आपको कितना तैयार करना है गोलगप्पे उस हिसाब से सूजी को कम ज़्यादा ले सकते हैं सिंपल नॉर्मल पानी लिया है और इनको आटे की डो की तरह ही गूँथना है मुझे इनको बहुत ज़्यादा गीला नहीं गूँथना है इनको टाइट ही गूँथेंगे और इनको बेल लेंगे बेलने के बाद इनको इस तरह से सेठ हम बहुत ज़्यादा इनको नहीं बेलेंगे पूड़ियों का बेलने का तरीका है गोल गप्पों का इनको सिर्फ हम दो बार बेलेंगे बहुत ज़्यादा इनको बेलेंगे आप तो ये फूलेंगे नहीं तो मैं यहाँ पे कटिंग नहीं कर रही हूँ इनकी मैं इसी तरह से छोटी छोटी सी लोहियाँ बना के इनको बेल रही हूँ इससे ये तरी इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉटन जब हम इसको कटिंग करते हैं बड़ा सा सेट बना के और इनको एक एक छोटा सा कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कट हुआ जो है आटा बच जाता है और वो आटा कड़ा हो जाता है और यही गलती हो जाती है कि हम उस आटे से बना लेते हैं तो हमारे आधे गुलगप्पे जो है फूलते हैं और आधे नहीं फूलते हैं तो इसको हम इसीलिए कटिंग नहीं कर रहे हैं आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं तो इसी तरह से छोटा छोटा सा लोहियाँ लीजिए इनको सिर्फ दो बार बेलिए बहुत ज़्यादा नहीं बेलिए और तुरंत से आप इनको एक घंटे के लिए आटा रखे हो तो इनको बेल रहे हो तो तुरंत एक एक करके गोल को फ्राई कर सकते हो या तो आप इनको सिर्फ छोटे छोटे से बेल करके एक घंटे के लिए कॉटन के कपड़े को भिगो करके इनको ढक के रख सकते हो तो मैंने इनको रख लिया था कॉटन के कपड़े से ढक करके इनको बेल लिया था एक घंटे के बाद आटा जब एक घंटा हो गया था तो इनको बेल करके अलग से रख लीजिए क्योंकि अगर किचन में आप पे कोई मदद करने वाला नहीं है तो इस तरह से आप रख लेंगे तो आपकी हेल्प होगी तो यहाँ पे लिया है मैंने मटर चलिए अब छोले तैयार कर लेते हैं दो कप मटर लिया जरा सा ही सोडा लिया इनको अच्छे से हमने भिगो लिया आ, मिक्स कर लिया और यहाँ पर दो आलू लिया और पानी इतना लिया था कि मटर अच्छे से भीग जाए डूबी हो बहुत ज़्यादा भी नहीं एक सीटी आने तक अपने छोले को हमें पकाना है और देखिए ये छोले पक के तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे से पक गए हैं तो यहाँ पे हम लेंगे प्याज हरी मिर्ची और सिंपल सा नमक लेंगे तो इनको अच्छे से कल्छा से मसलते हुए आलुओं को मसल लीजिए और मिक्स कर लीजिए जरा सा जो कुछ इसमें पानी दिख रहा है वो आलू जो है अब जॉब कर लेगी अपने अंदर तो इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बाउल में निकाल लेंगे आई होप कि मैंने अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि गोल गप्पे के आटे को कैसे तैयार करके रखना है एक घंटे तक गूद के रखना है फिर उसको बेल करके आप तुरंत भी फ्राई कर सकते हो बेल करके कटिंग कर सकते हो करके उसे ढक दो फिर उसके बाद भी बेल सक फ्राई कर सकते हैं उनको एक आटे को एक घंटे तक रखा उसके बाद उसे छोटे छोटे लोहियों में बेला मैंने कट नहीं किया बहुत सा बड़ा सा बेल करके गोल गप्पे को मैंने कटिंग नहीं किया था और उनके कॉटन के कपड़े से उसे ढक लिया है तो यहाँ पे अब हम पानी पूरी को तैयार करेंगे पानी इसका पानी बहुत ज़रूरी है मेन है हमारे गोलगप्पे का जान है तो यहाँ पे हमने लिया था हरी मिर्ची कुछ अदरक के टुकड़े और पुदीने की पत्तियाँ और हरी धनिया अच्छे से पीस लिया नॉर्मल पानी लिया मैंने इनमें और मसालों में रेड मिर्ची पाउडर और यहाँ पे जीरा पाउडर भुना हुआ थोड़ा सा ज़्यादा लें और यहाँ पे मैंने लिया था ज़रा सा यहाँ पे काला नमक और सादा नमक लिया था बाकी और कोई ज़्यादा मसाला हमने मार्केट का वगैरह का कुछ नहीं लिया है यहाँ पे खटास के लिए मैंने लिया है नींबू यहाँ पे आप इमली का पानी ले सकते हो अगर नींबू और इमली नहीं है तो आप खटाई का भी पानी ले सकते हो आम की जो खटाई होती है लेकिन मैंने नींबू लिया है नींबू ही लें तो ज़्यादा बेटर है नींबू फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए भी अब हम यहाँ पे कुछ बूंदी लेंगे बूंदी फ्राई कैसे करते हैं उसकी रेसिपी अपने वीडियो में मैंने लड्डू के वीडियो में दिया है जो मोतीचूर के लड्डू बनाए थे तो यहाँ पे वीडियो मैं उसका लिंक दे दूँगी इस वीडियो के नीचे तो तैयार हो गया है सब कुछ तो यहाँ पे चलिए हम फ्राई कर लेते हैं अपने गोलगप्पे को तो गोलगप्पे को हमने बेल के रखा था तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए तभी एक एक करके इनमें मिक्स करते जाइए और साइड में इनको किनारे से करते जाइए और गोलगप्पों को फ्राई कर लीजिए तो देखिए बिना कोई इशू के कितने अच्छे से हमारे गोलगप्पे जो हैं फूल के तैयार हो गए हैं और एकदम उनको तैयार करिए और इन्जॉय करिए ठेले वाले गोलगप्पे की घर में फ्रेश बनाइए फ्रेश खाइए हमारे रेसिपी जरा सी भी आप लोग को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेलाइकन को प्रेस करें थैंक यू